दोस्तों जिंदगी तो बहुत छोटी है ना, सबको इस दुनिया से एक दिन जाना है, और हमारा काम ऐसा है कि हमारे साथ कब हादसा हो जाए और कब हमारी जान चले जाए, लेकिन हमारी सिर्फ ये चाह है कि जीते जी देश और समाज के लिए कुछ कर जाए। तो दोस्तों अभी रात के 11:30 बज रहा है और हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ में देवरी खुद बोल के एक जगह है जहाँ बूटा पर है ना शायद बर खदान। तो यहाँ पर 10-11 दिन से परेशान, और आज रात के भी 11:30 बजे छोटे से बच्चे का पैर पड़ते पड़ते बचा, बिग साइज का कोबरा बता रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस जगह पे सांप है और डरना क्यों जायज है। इस सांप को दिखा के मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा आग वगैरह सब लगा दियो? इस सांप को ना आप लोग छेड़ दिए हो, क्योंकि आग लगा दिए छेड़ दिए तो इतना डरा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे साथ हादसा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो गुस्से में है ना, वो नहीं जानता कि मुझे बचाने आया, वो डरा हुआ मुझे काटेगा जो भी आएगा, और काटेगा मतलब बहुत ज्यादा जहर छोड़ेगा। साउंड तो आ रहा है अंदर से, अच्छा खासा बड़ा ही सांप है लग रहा है। चलो देखते ना कितना आवाज मत करिए ना। तो बहुत बड़ा नाग है यार, बहुत बड़ा सांप है और डरा हुआ बेचारा नाग है भी है, वही कोबरा ही नाग एक है। इसी सांप को हम लोग नाग कहते हैं हिंदी में, और नोकल भाषा में गेहुआन के नाम से भी जाना जाता है ना, या डोमी के नाम से जाना जाता है, और एक्चुअल में इसका नाम इंग्लिश में स्पेक्टेकल कोबरा है। अरे रुको ना, ये नहीं हम लोग देखिए, हम लोग इसलिए आए ताकि आप लोगों के साथ हादसा ना हो, आप लोगों के बाल बच्चे सही रहे। एकदम धाए से कर रहे ना, एकदम से तो भोलेनाथ है यार, नाग है भैया। तो मन शांत रहा ना यार। देखिए दोस्तों किस तरह से काट रहा है। पकड़ के लो भैया इसको, तू ये बहुत बड़ा सांप है ना। छह फीट होगा, हाँ शिवराम शुक्रिया आराम से वर्ष फीट दोस्तों देखिए 5.5 का करीब 5.5 फीट का कोबरा, 5.5 से 6 फीट के आसपास का कोबरा है।
और इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं और इसका जहर बहुत ही घातक होता है, न्यूरोटॉक्सिन जहर। और फाइनली रेस्क्यू कंप्लीट हो गया। दोस्तों आप लोग देख के हमारी कॉपी ना करें, और ये जब भी काटे इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब इसका जहर हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव करता है। सांप जब भी काटता है, खास करके हमारे ग्रामीण भाई अभी भी सांप काटने से झाड़ फूक जैसी इलाज करते हैं या ये सोचते कि हमारे पास कोई जादू मंत्र है, तो ये एकदम कतई धोखे मत रहिए। आपको जब भी सांप काटता, भगवान ना करे ना कटे, अगर सांप काटता है तो इमीडिएट हॉस्पिटल जाए, आप लोगों की जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है। और सांप काटने में, जान बचाने में सबसे बड़ा खेल होता है समय। जितना कम समय बर्बाद करके, जितना कम घबरा के हॉस्पिटल जाएंगे और सांप का जहर से बना इंजेक्शन एंटीवेनम विश्रुदी दवा ये देने से ही आपकी जान बचेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा, और सांप काटे तो इमीडिएट हॉस्पिटल जाइए। तो चलिए, और YouTube में हमारा चैनल है कमल चौधरी के नाम से, प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भारत में सर्पदंश होने से मौतों की संख्या कमी है, कम आए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। हां भाई, वीडियो बना लो, बिल्कुल एकदम, अब वो गुनगुनाते जाएगा। डायलिसिस को लेके कहां जाएंगे अपन? अभी इसको पब्लिक प्लेस से दूर में, सुरक्षित जगह में। ये अभी तक सोया कैसे नहीं? अभी लोगों का राह देख रहा था, और जब तक हम लोग नहीं सोएंगे तब तक नहीं सोएगा। रात तक नहीं सोया, देखो कैसे देख रहे हैं। अच्छा, इनको